हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड रीप्ले। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक और कलर्स टीवी के सीरियल के बारे में, जो कि है सुहागन। तो गाइज, सुहागन सीरियल में रिसेंटली जनरेशन लीप इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इस जनरेशन लीप से फैंस की भी एक्सपेक्टेशन थी कि उन्हें सीरियल में और बदलाव और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और चैनल की भी एक्सपेक्टेशन थी कि टीआरपी रेटिंग में बहुत अच्छे इंक्रीज या इम्प्रूवमेंट्स वगैरह देखने को मिले। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जनरेशन लीप जो आ रहा है, ये शो का लास्ट चांस होने वाला है शो को ऑफर से बचाने के लिए, यानी कि मेकर्स की लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी ये लीप के साथ कि आप अगर अपना सीरियल को बचाना चाहते हैं तो किसी ना किसी तरह की ऐसी स्टोरी इंट्रोड्यूस करवाओ जिससे टीआरपी रेटिंग बढ़े। तो मेकर्स इस लीप के साथ आगे मूव फॉरवर्ड करे थे, लेकिन गाइस टीआरपी हम सब जानते हैं कि शो की इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। टीआरपी जब ये सीरियल स्टार्ट हुआ था तो बढ़िया लेकर आता था और काफ़ी स्टेबल भी हुआ करता था शाम के टाइम स्लॉट के हिसाब से, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी टीआरपी रेटिंग्स घटने लगी थी और अब भी लास्ट वाले समय में इसकी टीआरपी में कोई उछाल देखने को नहीं मिला इस लीप के बाद। ना ही शो की पॉपुलैरिटी वगैरह बढ़ी है और शो के लीप उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना कि चैनल चाहता था एंड ऑल्सो जितना मेकर्स को चाहिए था। तो गाइस, रश्मि शर्मा टेलीफिल्म का सीरियल अब बहुत जल्द ऑफर जाने वाला है। इसका जो ऑफर है वो कन्फर्म हो चुका है, बस कुछ ही दिनों के बाद ये सीरियल एंड होने जा रहा है। शो के एंड से जुड़ी कुछ जानकारी को जान लेते हैं। सबसे पहले कि सीरियल का जो शूट है वो कब ख़त्म होगा, कब ओवर होगा। तो गाइस, एक्सपेक्टेड डेट है 19 अगस्त के अराउंड शो का आखिरी जो एपिसोड है उसको शूट कर लिया जाएगा, यानी कि अभी के लिए स्टिल कुछ समय है और कुछ दिन पड़े हैं अभी के लिए, शो का शूट ओवर तो नहीं हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें टेलीकास्ट कब किया जाएगा इसका आखिरी एपिसोड टीवी के ऊपर, और वो डेट होगी 25 अगस्त। तो गाइस 25 अगस्त को सुहागन सीरियल बंद हो जाएगा, ऑफर जाने की इसकी डेट 25 अगस्त होने वाली है। बाकी अगर शो का जो लास्ट दिन वाला शूट है वो अगर इधर उधर होता है थोड़ा शेड्यूल से, तो फिर ये जो 25 अगस्त की लास्ट एपिसोड वाली डेट है ये भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, बट ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर बदलाव हुए भी कुछ डेट में चेंजेस तो थोड़ा एक दो दिन का फ़र्क कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर यह कि सुहागन अब बंद होने जा रहा है। और काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शो बंद हो जाएगा जनरेशन लीप वगैरह के बाद भी, लेकिन जनरेशन लीप के बाद भी शो की कहानी ज़्यादा लंबी चली नहीं पाई एंड ऑलरेडी चैनल वालों ने डिसीजन ले लिया है और शो के जो मेकर्स हैं, शो की जो कास्ट एंड क्रू है, सबको ये डिसीजन के बारे में बता दिया गया है। भले ही वो ऑफिशियली ये चीज़ को अभी के लिए अनाउंस नहीं करेंगे, बट जब शूट वगैरह ओवर हो जाएगा तब वो इस चीज़ को अनाउंस करेंगे, तब इसको लेकर फैंस के सामने आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा सुहागन सीरियल को बंद करने का फैसला सही है या फिर नहीं, आपके हिसाब से शो को आप मिस करेंगे या फिर नहीं। सारी अपकमिंग कलर्स एंड सुहागन की अपडेट्स एंड लेटेस्ट न्यूज़ जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।